स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का अध्याय नंबर 2, जो राजस्व मंडल के नाम से जाना जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में अध्याय 1 की परिभाषा खंड पे हम लोगों ने चर्चा किया था। उस परिभाषा खंड में एक जगह मैंने धारा 4 के खंड नंबर 18 को, जिसमें SDO की परिभाषा दी गई थी, उप जिला अधिकारी, उसको कनेक्ट करवाना था धारा नंबर 13 से, और गलती से वो धारा नंबर 17 मैंने बोल दिया था, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा कि धारा 4 की खंड 18 पे जो SDO की परिभाषा है उसको इसी अधिनियम की धारा 13 से कनेक्ट करना था, साफ पठित धारा 13, ना कि 17 से। राजस्व मंडल में 2 धाराएं हैं, अध्याय नंबर 2 और धारा की संख्या भी 2, अच्छा संयोग है, 2 अध्याय, 2 धारा और 2 अलग अलग शब्दों का चयन, राजस्व मंडल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पहला अध्याय है वो प्रारंभिक हो गया, दूसरा अध्याय सबसे पहले बोर्ड से संबंधित है, जो रेवेन्यू डिवीजन है, इंग्लिश में इसको रेवेन्यू डिवीजन के नाम से जाना जाता है, राजस्व मंडल। इसका जो धारा 5 है, पहली धारा, इस अध्याय 2 की पहली धारा, वो राज्य का राजस्व क्षेत्रों में विभाजन से संबंधित है। यानी पूरे उत्तर प्रदेश को, ध्यान से समझिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश को कई अलग अलग परियोजनों के लिए कई भागों में डिवाइड किया गया है, उसी में से एक प्रयोजन इसका राजस्व भी है, तो राजस्व क्षेत्र के लिए इसका विभाजन धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। अन्य कौन कौन से प्रयोजन, कुछ मैं दृष्टांत स्वरूप आपको बता देता हूँ। जैसे सरकार के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य का बंटवारा कैसे किया जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक सरकार, सबसे प्रमुख सरकार स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद फिर जिला स्तर की एक जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक स्तर पे होता है ब्लॉक प्रमुख, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, इस तरह से बटा हुआ है। न्यायपालिका के हिसाब से आप देखेंगे तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में अलग अलग श्रेणी के बने हुए हैं। प्रशासनिक पर्पज से देखेंगे तो उसमें भी अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। उसी तरीके से राजस्व परियोजन के लिए भी उत्तर प्रदेश का बंटवारा धारा 5 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें लिखा है राज्य का राजस्व क्षेत्रों में विभाजन। सबसे पहले आप विभाजन में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजस्व क्षेत्रों में विभाजन राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले विभाजन होगा, कम से कम 2 या अधिक मंडल होंगे राज्य में। विभाजन में सबसे बड़ा बोर्ड क्या होगा, मंडल होगा, तो कम से कम कितने मंडल होंगे, 2, 2 मंडलों में विभक्त किया जाएगा। फिर मंडलों में 2 या अधिक जिले होंगे, ध्यान दीजिएगा, मंडलों में हर मंडल में कम से कम 2 या अधिक, 2 मंडल हैं तो 2 या अधिक जिले होंगे, 2 जिले यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, ठीक है, 2 जिले यहाँ हो गए, यानी कम से कम मंडल में 2 या अधिक जिले होंगे, यानी हर मंडल में कितने जिले होंगे, कम से कम 2 या अधिक। अब अगर आप देखेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं, 18 राजस्व मंडल हैं, तो उन 18 राजस्व मंडलों में जो जिले हैं उनको डिवाइड किया गया है, तो हर मंडल में कम से कम कितने जिले होंगे, 2 या अधिक, एक या अधिक नहीं, 2 या अधिक। उसके बाद हर जिले में 2 या अधिक तहसील होंगी, तो एक जिला ये हो गया, इसमें 2 या अधिक, कम से कम 2 तो मान लीजिए आप, 2 या अधिक तहसील हो गई,
उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा। और हर तहसील में देखिएगा, हर तहसील में कम से कम एक परगना होगा, कम से कम एक परगना होगा, ये मिनिमम संख्या मैं बता रहा हूँ। और हर परगने में, हर परगने में फिर ग्राम का बंटवारा किया जाता है, हर परगने के अंतर्गत ग्राम रखे जाएंगे। तो परगने में आप देखेंगे फिर यहाँ दो कम से कम गांव होंगे, हर परगने में दो कम से कम गांव होंगे। इस तरीके से ये हो गया आपका सबसे पहले मंडल, ये हो गया जिला, ये हो गया तहसील, और ये हो गया परगना, और ये हो गया ग्राम। पूरे उत्तर प्रदेश को धारा 5 के अनुसार कितने भागों में बांट दिया गया? 5 भागों में बांट दिया गया। धारा 5 को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांट दिया गया। यहाँ भी देखिए संयोग है कि धारा 5 में जो विभाजन हुआ है उत्तर प्रदेश को, वो 5 भागों में ही विभाजित हुआ है। तो 5 में 5, कम से कम उत्तर प्रदेश में कितने मंडल होंगे? 2। अधिक कितने होंगे? कोई सीमा नहीं है। हर मंडल में कितने जिले होंगे? कम से कम 2। अधिक कितने होंगे? कोई सीमा नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो आपका लखनऊ मंडल है इसमें भी 4-5 जिले रखे गए हैं, तो 2 जिले से कम नहीं होंगे। और जिले जो है, हर जिले में कम से कम 2 तहसीलें, हर तहसील में कम से कम एक परगना, यहीं पे एक आ गया है, अदरवाइज सब में 2-2 है। और हर परगने में फिर देखिए 2-2 मैंने दिखा दिया कि 2 ग्राम। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है, यही है धारा 5। धारा 6, राजस्व क्षेत्रों का गठन। अब जरा देखिए राजस्व क्षेत्रों का गठन, ये भी धारा 5 का ही अनुपूरक धारा है, ध्यान दीजिएगा। धारा 6 धारा 5 का ही अनुपूरक धारा है। कैसे? यहां बताया गया है धारा 6 में कि जो राजस्व मंडल है, इस राजस्व मंडल में धारा 5 में कहा गया कम से कम 2 जिले होंगे, लेकिन वो कौन सा जिला होगा ये तो नहीं बताया गया ना धारा 5 में। 2 जिले तो होंगे कम से कम, लेकिन वो कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे ये नहीं बताया गया। ये बताया गया धारा 6 कि राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित करेगी कि किसी मंडल में कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे। तो कौन कौन से जिले किसी मंडल में होंगे, उन जिलों का उल्लेख राज्य सरकार करेगी धारा 6 में। उन जिलों में कौन कौन से तहसीलों का क्षेत्र शामिल होगा, कौन कौन से तहसील रखे जाएंगे, ये भी धारा 6 में देखिए लिखा हुआ है, खंड 1 में राज्य सरकार निर्धारित करेगी। हर तहसील में परगना कौन कौन सा होगा, ये भी धारा 6 में ही बताया गया है। और ग्राम क्या होगा ये भी बताया गया है। तो इस तरीके से हर मंडल में जिले कौन से होंगे, जिले में तहसील कौन कौन से होंगे, तहसील में परगना कौन कौन से होंगे, इन 4 बातों का उल्लेख धारा 6 के पहले खंड में देखिए साफ साफ लिखा हुआ। तो वही लिखा है राजस्व क्षेत्रों का गठन, यानी वो क्षेत्र जिनका गठन उसमें किया जाएगा, तो धारा 6 में आपने देख लिया। इसके अलावा आप देखेंगे तो धारा 6 में कहा गया है कि खंड 2 में आप देखेंगे
तो लिखा गया है कि जो क्षेत्र यहाँ शामिल किए गए, जिस मंडल में जो जिले शामिल किए गए, उन जिलों को निकाला भी जा सकता है कि नहीं, और नया जिला शामिल किया जा सकता है। तो जब कभी किसी डिवीजन में जो क्षेत्र शामिल है, अगर उसमें कोई परिवर्तन करना है, तो ये भी राज्य सरकार कर सकती है गजट में अधिसूचना जारी करके। समझ में आ गया? धारा 6 में साफ साफ बताया गया है कि राज्य सरकार उसमें परिवर्तन कर सकती है। धारा 6 का तीसरा खंड देखिए, बहुत महत्वपूर्ण खंड है तीसरा, जिसमें बताया गया है कि कलेक्टर को यह पावर दिया गया है कि प्रत्येक तहसील, जो तहसील है, उस तहसील में जो गांव आते हैं, वो कौन कौन से गांव ऐसे होंगे जो किसी लेखपाल के क्षेत्र में आएंगे। तो लेखपालों के क्षेत्रों का जो विभाजन है, वो कलेक्टर को करने की पावर दी गई है खंड नंबर 3 में। तो धारा 6 का खंड 3 कलेक्टर के द्वारा लेखपालों के हलके का निर्धारण करने की बात की गई है कि लेखपाल के हलके में कौन कौन से गांव किसी तहसील के शामिल होंगे। पूरी की पूरी तहसील किसी एक लेखपाल के हलके में नहीं आती है, हर तहसील में कम से कम 8-10 लेखपाल होते हैं। तो कौन कौन से गांव किसी लेखपाल के हलके में आएगा, ये कलेक्टर बताएगा धारा 6 खंड 3 में। और जो लेखपाल होंगे, जैसे मान लेते हैं कि टोटल 10 लेखपाल हो गए किसी तहसील में, इस तरीके से 10 लेखपाल हो गए, तो इनके ऊपर एक राजस्व निरीक्षक होता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, जिसको हम व्यवहार में कानूनगो के नाम से जानते हैं, राजस्व निरीक्षक को। उस राजस्व निरीक्षक के अंडर में लेखपाल होते हैं एक से अधिक। तो कौन कौन से अभिलेख, कौन कौन से राजस्व निरीक्षक के क्षेत्र में लेखपालों का हलका शामिल किया जाएगा, ये भी इसी खंड में बताया गया है कि कलेक्टर ये भी निर्धारित करेगा कि ये 3 लेखपाल का नामक राजस्व निरीक्षक के क्षेत्र में शामिल हैं, ये 4 लेखपाल खा नामक लेखपाल के हलके में आएंगे, ठीक है। यानी अब ये जो राजस्व निरीक्षक होगा, इस राजस्व निरीक्षक इनके ऊपर होता है, लेखपालों के ऊपर की अथॉरिटी है रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो हर रेवेन्यू इंस्पेक्टर के हलके में कितने लेखपाल आएंगे, ये भी कलेक्टर ही निर्धारित करता है। तो इस तरीके से धारा 6 में खंड 3 के अंतर्गत कलेक्टर को ये पावर दिया गया है कि लेखपालों का हलका और राजस्व निरीक्षक के हलके का निर्धारण करें, इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, ये बात यहाँ धारा 6 में लेखपालों और कानूनगो के बारे में नहीं बताया गया। ये आपको मिलेगा इसी एक्ट की, वो एक्ट नंबर 3 की जो अगली धारा है, लास्ट में धारा 15 और 16 आपको मिलेगा, धारा 16 में 17 में वहाँ ये सब बातें बताई गई हैं। 16 में खास तौर से, धारा 16 में बताया गया है कि लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, इनके कर्तव्य क्या होंगे। यहाँ इतना बस बताया गया है कि लेखपाल और राजस्व निरीक्षक के हलकों का निर्धारण कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा लिखा हुआ है खंड नंबर 4 में, देखेंगे धारा 6 के खंड 4 में, तो यहाँ कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व पुरानी संहिता के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश राज्य में मंडलों की संख्या, जिलों की संख्या, तहसीलों की संख्या, परगना की संख्या, ग्राम की संख्या, लेखपालों का क्षेत्रों का बंटवारा जो पहले से चला आ रहा था, अगर इस संहिता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो वही पुराना मान्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने धारा 5 राजस्व क्षेत्रों में विभाजन राज्यों का देख लिया, और धारा 6 में राजस्व क्षेत्रों का गठन आपने धारा 6 में देख लिया। तो ये अध्याय आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 3।